तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लगाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने इंस्टाग्राम के ऐप को यहां से ओपन कर लीजिए। यहां से इसको ओपन करने के बाद सिंपली आप जो है यहाँ पे ऐड स्टोरी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो है उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आपने अपने स्टोरी के अंदर ट्रांसपेरेंट करना है। तो सिंपली मैं कोई भी एक फोटो यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये वाली फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इस फोटो को जो है यहाँ जूम इन करके अपने हिसाब से प्रॉपर जो है स्टोरी में सेट कर दीजिए। और सेट करने के बाद आप इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम सिंपली करना है, आपको देखिए ऊपर थ्री लाइन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा कोने में राइट साइड में, आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने सिंपली इसको भी यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर काफी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपने इनमें से जो है यहाँ पे एक थर्ड नंबर जो है वो हाईलाइटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली आप नीचे से एक कलर सिलेक्ट कर लीजिए, कोई सा भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं जो है ये ब्लू कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली डिस्प्ले के ऊपर टच करके ऐसे होल्ड करके रखना है और बस उस कलर में आपकी फोटो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। पर ये जरा अच्छी नहीं लग रही है तो सिंपली ऊपर जो सर्कल दिख रहा है उस पर क्लिक करके इसको रिस्टोर कर देता हूँ। अब ये हट गया। अब मुझे मान लीजिए जो है कोई और कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं सिंपली फोटो में से ही कलर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके लिए मैं जो है इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और अब जो है फोटो में से ही कोई भी कलर को यहाँ पिक कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला कलर यहाँ पिक कर लेता हूँ। तो पिक कर लिया मैंने कलर। अब मैं दोबारा से जो है डिस्प्ले के ऊपर टच करूँगा और होल्ड रखूँगा और बस अब पूरे जो कलर फोटो के ऊपर जो है एक ट्रांसपेरेंट कलर यहाँ पे ऐड हो चुका है और हमारी फोटो भी यहाँ पे लगभग लगभग ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। और जब कि फोटो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो आपने सिंपली जो है ऊपर टिक बटन पे क्लिक कर देना है और बस इस तरीके से जो है आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। आप चाहे जिसके ऊपर आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करके ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, तो हेलो लिख दिया मैंने, तो हेलो की जगह कुछ और लिख हो गया पर हेलो लिख दिया और यहाँ पे डन पे क्लिक कर दिया। तो आप देखिए बैकग्राउंड मेरा ट्रांसपेरेंट है, इसके ऊपर यहाँ मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। और मान लीजिए आपने कोई फोटो ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे स्टिकर पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो है जाइए ऐड फोटो के ऊपर, तो ये रहा। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी एक फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये वाली फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जूम इन कर लेता हूँ और फोटो भी पूरा एडजस्ट करके लगा सकता हूँ। यहाँ पे पूरे पे लगा दिया मैंने। तो इस तरीके से जो है आप इसके ऊपर फोटो भी लगा सकते हैं और आपका बैकग्राउंड भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके है जो है आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं। और बस आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इसको जो है यहाँ पे पोस्ट कर देना है और बस आपकी स्टोरी जो है नॉर्मली यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। इसको कंप्लीटली पोस्ट होने देते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो अभी ओपन होगी, तो अभी पोस्टिंग हो रहा है और आप देखते हैं हमारी स्टोरी का बैकग्राउंड भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो रखा है। तो दोस्तों फिर बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।